हम लोग जब भी ऐसा सिंपल मैच खेलते हैं तभी तो हमारे नेटवर्क पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जैसे कोई इम्पोर्टेंट मैच या फिर इम्पोर्टेंट कस्टम हो तब तो हमारा पिंग 999 प्लस पर चला जाता है। भाई मुंह की बात छील ली। और ज्यादातर कस्टम हम लोग तभी हारते हैं जब हम लोगों का नेटवर्क स्लो होता है, और इसीलिए इस वीडियो पर हम लोग 999 प्लस पिंग को या फिर नेटवर्क इशू कुछ ही मिनट्स में सॉल्व करने की ट्रिक्स, साथ ही कुछ सेटिंग जिसमें से एक सेटिंग ऐसी भी है जिसको ऑन करने से तुम लोगों का बैटरी बहुत ही कम डाउन होगा और तुम्हारे मोबाइल का नेटवर्क काफी फास्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में कुछ स्पेशल टिप्स भी बताए गए हैं जिसको तुम सभी को जानना चाहिए, लेकिन उन सभी को जानने से पहले अपने सिम का नाम कमेंट, मतलब कि तुम लोग जियो, एयरटेल या फिर वोडाफोन जैसे किस सिम का यूज करते हो। सबसे पहले तुम सभी अपने कंफ्यूजन को दूर करो। तुम सभी को लगता होगा कि 99 प्लस पिंग या फिर नेटवर्क इशू तभी होता है जब नेटवर्क स्लो होता है, लेकिन ये सच नहीं है क्योंकि हम सभी का नेटवर्क इशू इन सभी कारणों से भी होते हैं। नंबर वन, अगर तुम्हारा मोबाइल काफी ज्यादा पुराना, मतलब कि तुमने अपने मोबाइल को लगभग 3-4 साल पहले ही खरीदा था, तो इससे भी तुम्हारा पिंग 999 प्लस पर जा सकता है, क्योंकि जैसे जैसे तुम्हारा मोबाइल पुराना होता है वैसे वैसे मोबाइल पर नेटवर्क प्रॉब्लम होती है। आई एम सॉरी बाबू। नंबर टू, अगर तुम्हारे मोबाइल का रैम 2GB रैम या फिर 3GB रैम का हो तो भी तुम्हारे मोबाइल पर नेटवर्क इशू हो सकती है। नंबर थ्री, अगर तुम लोग अपने मोबाइल को लगातार यूज करते हो तो इससे मोबाइल गर्म भी होता है एंड लैग भी करता है, और जैसे मोबाइल पर लैग या गर्म होता है तो इससे तुम्हारा नेटवर्क भी स्लो होने लगता है। नंबर फोर, फ्री फायर का बग या फिर ग्लिच, जैसे हमारे फ्री फायर पर न्यू अपडेट्स आते हैं तो इससे कई बग्स एंड बहुत सारे न्यू ग्लिचेस आते हैं और जिसके बाद भी हमें काफी ज्यादा नेटवर्क इशू देखने को मिलती है। देखो पहले ही बता दूं कि नेक्स्ट वीडियो UMP के सीक्रेट हेडशॉट ट्रिक पर होगी, और अगर तुम्हें वीडियो को देखना है तो जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से सब्सक्राइब करो। अगर तुम सभी सब्सक्राइब करोगे देन इसके बाद ही वो वीडियो आए, और बेस्ट सेंसिटिविटी एंड फायर बटन साइज की भी वीडियो आ चुकी, उन दोनों की लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन पर मिलेगी या फिर हमारे चैनल को चेक करो। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नेटवर्क स्पीड करने के कुछ ट्रिक्स की, देन इसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ सेटिंग्स। ट्रिक नंबर वन, जब भी तुम्हारे मोबाइल पर नेटवर्क इशू हो तो सबसे पहली चीज की अपने मोबाइल के सेटिंग पर जाओ एंड यहाँ पर सर्च करो सिम कार्ड मैनेजर, देन इस पर क्लिक करो। फिर यहाँ मिलेगा तुम सभी को मोबाइल नेटवर्क, इस पर क्लिक करो। इसके बाद नेटवर्क मोड पर क्लिक करो एंड यहाँ पर LTE ओनली को सिलेक्ट करो। कुछ सेकंड्स का वेट करो देन उस पर क्लिक करो एंड फिर से जिस पर था उसी को सिलेक्ट कर ले एंड इसका यूज तुम्हें गेम को स्टार्ट करने से पहले करना है। ट्रिक नंबर टू, कभी कभी तुम लोग रैंक मैच खेलते हो या फिर कोई भी कस्टम खेलते हो और खेलते समय अगर तुम लोगों का नेटवर्क पिंग हाई चला जाए देन सिंपली तुम्हें अपने एरोप्लेन मोड को ऑन करना है, देन थोड़ी देर बाद ऑफ करना। बस इतना करने से तुम लोगों का नेटवर्क काफी फास्ट हो जाएगा। ट्रिक नंबर थ्री, कभी कभी मोबाइल के प्रॉब्लम के कारण मोबाइल पर नेटवर्क इशू होती है और चाहे तुम लोग कितने भी ट्रिक्स का यूज करो लेकिन मोबाइल का नेटवर्क स्लो ही रहता है, तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए सिंपली तुम्हें क्या करना, मोबाइल के पावर को एक बार ऑफ करना, मतलब कि मोबाइल को एक बार स्विच ऑफ करो देन स्विच ऑन करो। ओके। एंड इससे तुम्हें और एक फायदा होता है कि बैकग्राउंड पर जितने भी एप्स वर्क कर रहे होते हैं, डेटा का यूज कर रहे हो, वो ऑटोमेटिक से बंद हो जाते हैं जिससे भी तुम्हारा नेटवर्क फास्ट हो जाता है। एंड अब बात करते हैं कुछ सेटिंग्स की। सेटिंग नंबर वन, सबसे पहले तुम्हें अपने मोबाइल के सेटिंग पर जाना है एंड यहाँ पर आने के बाद तुम्हें यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन को सर्च करना। सिंपली डेवलपर ऑप्शन पर जाओ देन इसके बाद तुम्हें नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर तुम्हें मिलेगा वाईफाई स्कैन थ्रॉटल, सिंपली इसको ऑन कर लेना। इससे होगा क्या, यहाँ पर तुम लोग पढ़ सकते हो रिड्यूसेस बैटरी ड्रेन एंड इम्प्रूव्स नेटवर्क परफॉर्मेंस। ये भगवान क्या जुलूम है। अब देखो सिंपली ये वाईफाई के लिए है लेकिन मोबाइल डेटा पर भी ये काफी ज्यादा वर्क करती है। इसका यूज करने से मोबाइल नेटवर्क फास्ट तो होगा, साथ ही तुम्हारे मोबाइल का बैटरी काफी देर तक चलेगा। सेटिंग नंबर टू, सबसे पहले तुम्हें फिर से मोबाइल के सेटिंग पर जाना, देन डेवलपर ऑप्शन पर जाने के बाद तुम्हें यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना एंड यहाँ पर तुम्हें मिलेगा बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, इस पर क्लिक करो। देन सिंपली तुम्हें क्या करना है कि यहाँ पर एटमोस्ट 3 प्रोसेस पर क्लिक करना। इससे फायदा ये होगा कि बैकग्राउंड पर तुम्हारे 3 एप्स ही वर्क करेंगे एंड बैकग्राउंड पर 3 से ज्यादा एप्स वर्क नहीं करें, जिससे बस 3 एप्स ही बैकग्राउंड पर डेटा लेंगे और इससे भी तुम्हारा नेटवर्क काफी फास्ट चलेगा। सेटिंग नंबर 3, सबसे पहले मोबाइल के सेटिंग पर जाओ देन यहाँ पर तुम्हें मिलता है एप्स, एप्स पर क्लिक करो देन वैसे एप्स को सिलेक्ट करो जिसका तुम लोग यूज नहीं करते या फिर काफी कम यूज करते, देन इस पर क्लिक करने पर तुम्हें मिलेगा मोबाइल डेटा, इस पर क्लिक करो देन यहाँ पर मिलेगा अलाउ बैकग्राउंड डेटा यूजेस, सिंपली इस सेटिंग को तुम्हें ऑफ करना है। इससे जिस जिस ऐप का तुम लोग ये सेटिंग करोगे देन वो सेटिंग बैकग्राउंड पर डेटा का यूज नहीं करेगी।
एंड अब बात करते हैं कुछ स्पेशल टिप्स की। स्पेशल टिप नंबर वन, देखो हमारे घर पर किसी कोने पर नेटवर्क काफी ज्यादा फास्ट होता है तो किसी एरिया पर काफी ज्यादा स्लो, तो तुम लोग अपने घर के अलग अलग कोने पर बैठ कर देख सकते हो कि किस जगह पर तुम्हारा नेटवर्क फास्ट है एंड वहीं पर बैठ कर तुम लोग गेम प्ले कर सकते हो। स्पेशल ट्रिक नंबर टू, देखो अलग अलग जगह यानी कि अलग अलग स्टेट नेटवर्क सिस्टम भी अलग अलग होता है, मतलब कि किसी के यहाँ पर रात में अच्छा नेटवर्क चलता है तो किसी के यहाँ पर सुबह को नेटवर्क चलता है। एग्जांपल के लिए हमारे यहाँ पर रात को काफी ज्यादा स्लो नेटवर्क चलता है, तो ऐसे में तुम लोग अपने नेटवर्क को स्पीड नहीं कर सकते। मगर क्यों? स्पेशल टिप नंबर थ्री, हर अलग अलग स्टेट पर हमारा सिम कार्ड भी अलग अलग नेटवर्क स्पीड को प्रोवाइड करता है और इसीलिए तुम लोग ये ट्राई कर सकते हो कि कौन सा सिम कार्ड तुम्हारे स्टेट पर अच्छा चलता है एंड जिस सिम की नेटवर्क स्पीड काफी फास्ट होगी उसी का यूज करना। स्पेशल टिप नंबर फोर, बैकग्राउंड वर्क। एग्जाम्पल के लिए कुछ बंदे क्या करते हैं, गेम्स खेलते समय अपने मोबाइल से ही कुछ सॉन्ग्स को भी प्ले करते हैं। अब अगर तुम लोग बैकग्राउंड पर किसी भी सॉन्ग को बजाओ तो इससे तुम्हारा मोबाइल का नेटवर्क परफॉर्मेंस भी थोड़ा सा कम होता है एंड ये भी कारण है जिससे तुम्हारा नेटवर्क काफी ज्यादा स्लो होगा।